जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपाला किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने के पापड़, जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक कटोरी साबूदाना ले लिया है, इसे मैंने रात में भिगो दिया था। एक कटोरी में डेढ़ कटोरी ही मैंने पानी डाला। खिचड़ी बनाने के लिए हम मेजरमेंट बराबर लेते हैं, जैसे एक कटोरी में एक ही कटोरी पानी डालते हैं ताकि खिचड़ी खिली खिली बनती है। लेकिन मैंने डेढ़ कटोरी लिया, डेढ़ की जगह आप दो भी ले लें कोई बात नहीं। हमें पापड़ बनाने हैं, पानी ऊपर तक रहना चाहिए, बहुत ऊपर तक। फिर देखिए पूरी रात भर में भीग के बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। 3 से 4 घंटे में भी भीग जाते हैं, लेकिन मैंने ओवरनाइट रखा है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट और काली मिर्च भी ली है। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे फ्रेंड्स, उसके अंदर हमने एक कटोरी, जिस कटोरी से साबूदाना लिया है उसी से 6 कटोरी में पानी डालूँगी। पानी आप मेजरमेंट जो है वो आपका कप हुआ कटोरी है जो है किसी से भी कर सकते हैं, और उसी से 6 कटोरी ले ले या 6 कप ले ले। उसके बाद में हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे, और जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, पानी अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया है। शुरू शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नीचे नहीं होगा, चटेगा। हम इसे बस शुरू में तो थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, हर 2 मिनट में इसको चलाएँगे फिर से। मैं थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी फ्रेंड्स। अभी आधे स्टेज पे आ चुका है, तो अब इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये दाने ऊपर आ चुके हैं साबूदाना मोती के जैसे, मतलब ये आधे स्टेज पर बन चुके हैं अच्छे से। अब इसे नहीं छोड़ना है क्योंकि नीचे चेट सकता है, साबूदाने में स्ट्रच बहुत होता है इसलिए चेटने का डर रहता है, तो हमें छोड़ना नहीं है। अब मैं इसे चलाती जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें डाल दूंगी मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये सेंधा नमक है फ्रेंड्स, फलाहारी नमक है। 1/2 टीस्पून इसमें डाल दी हूँ काली मिर्च। आप इसकी जगह जीरा भी डाल सकते हैं, जीरे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपको जो पसंद है वो डाल दें। मैंने काली मिर्च डाली है फ्रेंड्स। होली आते ही हम अपने घर में पापड़ बनाना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपको साबूदाने के पहले बना रही हूँ, उसके बाद आलू के चिप्स, चावल के पापड़, सूजी के पापड़ सभी हम बनाते हैं अपने घर में। मैं भी अपनी वीडियो पे सारे बना करके आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो कैसे लगते हैं फ्रेंड्स? अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जरूर। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे, और जबकि पानी बहुत गर्म है इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी थोड़ी सी इसमें कमी है, लेकिन गर्म पानी की वजह से वो गर्म पानी में पूरी हो जाएगी। तो इसे थोड़ी देर रहने देंगे, हम गर्म पानी बहुत है इसलिए अभी हम गर्म गर्म नहीं पापड़ बनाएंगे। थोड़ा बैटर जब ठंडा हो गया था तो मैंने जो ये पॉलीथीन बिछा के पहले से रखी हुई थी, और इस तरह से चम्मच से लेके मैं इसे फटाफट फटाफट पापड़ बना लूँगी। हम इसको चूड़ी की सहायता से भी बना सकते हैं, चूड़ियाँ रख लो और उसमें फटाफट बैटर को डालते जाओ, लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए ये एक दिन में ही सूख जाएंगे। मैंने दूसरे दिन की धूप लगाई थी इसके अंदर। ये देखिए ये पापड़ तैयार है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको। ये इस तरह से सारे पापड़ बने हैं, बहुत ही पतले बने हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी, आपको फ्राई करके दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हो गए हैं। मैं जितने पापड़ अभी चाहिए मैं उतने ही फ्राई करूँगी, सारे नहीं कर रही हूँ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, आराम से करना है। पापड़ बनाने के लिए हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए होता है शुरू में। ये देख पा रहे हैं आपके में सारे पापड़ बन गए थे, लेकिन मैंने कुछ ही फ्राई करके आपको दिखाए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत ही सॉफ्ट भी है, बच्चे भी इन्हें पसंद करते हैं। फलहारी में भी इन्हें ले सकते हैं।